पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के द्वारा संचालित श्री बीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर समिति कॉलेज द्वारा आयोजित 55वें बीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो कि 21 मई से 7 जून तक ग्वालियर के मिसल हायर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मी कॉलोनी पर आयोजित किया गया है। इसमें 1500 अधिक प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष से शामिल हुए हैं। प्रातःकाल की प्रौढ़ शिक्षा डॉक्टर दीपक शास्त्री ने ली, तत्पश्चात डॉक्टर हुकुमचंद भरेल के वीडियो का प्रवचन का प्रसारण हुआ। पश्चात प्रवचन सार का भव्य आयोजन हुआ जिसके मुख्य आमंत्रणकर्ता के रूप में विजय कुमार नीलमजन, निखिल दीप्ति जैन ग्वालियर हैं। विधान एवं पूजन का संयोजन पंडित अनुभव जी पंडित चिन्नन जी ने किया। बातें प्रशिक्षणार्थियों की कक्षा चली। इसके पश्चात आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी के शब्दोपदेश विषय पर वीडियो प्रवचन का प्रसारण हुआ, जिस पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नोत्तर मुख्य बिंदु चर्चा हुई। इसके पश्चात बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी एवं डॉक्टर मनीष जी मेरठ की दो प्रौढ़ कक्षाएं एक साथ अलग अलग जगहों पर चलीं। इसके बाद पंडित अभय जी शास्त्री देवलाली वालों का तत्व चिंतन विषय पर मुख्य प्रवचन के साथ सुबह के कार्यक्रम संपन्न हुए। दोपहर 1:30 बजे से प्रतिदिन की भांति प्रशिक्षणार्थियों की अभ्यास कक्षाएं चलीं। 2 बजे से 4 बजे तक प्राचीन एवं प्रसिद्ध जैन आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर के विगत सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्राप्त 50 से अधिक स्नातकों का सम्मान समारोह गणमान्य अतिथियों के साक्ष्य में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए हुए स्नातक परिषद के कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए और समारोह की अध्यक्षता परिषद के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल ने की। 4 बजे से 5:30 बजे तक प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण पद्धति की कक्षा चली। सारी की सारी जानकारी खबर हर पल के लिए प्रचार मंत्री रवि जैन ने उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि यह शिविर ग्वालियर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है जो कि संपूर्ण भारत में कई स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है। यह ग्वालियर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। खबर हर पल के लिए हमारे संवाददाता की यह खास खबर। हमारे सभी स्नातक और स्नातक परिषद के सदस्य, यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस काल में सर्वज्ञ देव के दूत हैं और वे जहां कहीं भी हैं और अपने करियर में कुछ भी कर रहे हैं, पर सचमुच उनके चारों ओर का जो ऑरा है उस वातावरण में वे अध्यात्म के प्रचार में संलग्न हैं। अध्यात्म के अभ्यास से अपने जीवन को उन्होंने स्वर्णिम बनाया है और समाज के अन्य लोगों को, आत्मार्थियों के जीवन को स्वर्णिम बनाकर आत्मकल्याण के मार्ग में लगाने की ओर अग्रसर हैं। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सभी मंचासीन अतिथिगण और स्नातक साथी और साधारण बंधु, टोडरमल स्नातक परिषद की स्थापना, परिवार बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि आपस में मिलने पर भी पता नहीं चलता कि स्नातक है कि नहीं है, तो इस बात की एक आवश्यकता महसूस की गई कि अब हमें, जैसे कि हर स्कूल की एक एल्यूमिनाई होती है, ऐसे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की एक एल्यूमिनाई का गठन करना चाहिए। इस बात का विकास इस बात से और हुआ कि पहले तो टोडरमल स्मारक एक संस्था थी जहां से शास्त्री विद्वान निकलते थे, फिर कालांतर में राजस्थान में ही 3 विद्यालय और हो गए, हमारा मुंगछू आश्रम कोटा, धुरधाम बांसवाड़ा उदयपुर और मध्य प्रदेश में भोपाल, यहां से भी स्नातक निकलने लग गए, तो हमारा परिवार और बड़ा हो गया, इसलिए ये एल्यूमिनाई और बड़ी हो गई और स्नातक परिषद केवल टोडरमल स्मारक के विद्यार्थियों की स्नातक परिषद नहीं रही, अपितु मुमुक्षु संस्थाओं के जितने भी विद्यालय हैं, शास्त्री विद्यालय, उनके स्नातकों का यह एक बड़ा परिवार जिसका नाम है टोडरमल स्नातक परिषद। वास्तव में जैसा कि आप सभी को सर्व देते हैं, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो कि 55वां आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण समिति ग्वालियर एवं श्री मुमुक्षु मंडल ग्रेटर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर की धरा पर मिसल हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि लक्ष्मीबाई कॉलोनी के नजदीक स्थित है, वहां पर हजारों की श्रृंखला में ये शिविर संचालित किया जा रहा है। शिविर का आज 14 दिन है और आज चौथे दिवस विद्वान स्थानक विद्वानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश विदेश से
शादीवाद के विद्वान जो कि अपनी अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं, शासकीय सेवाओं में अपना स्थान बनाए हुए हैं, ऐसे सभी विद्वानों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही साथ अनेकों प्रवचन श्रृंखलाएं भी संचालित की जा रही हैं, साथ ही साथ अनेकों अभ्यास कक्षाएं और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस शिविर में चल रहा है। ज्ञान अमृत हर जगह से बरस रहा है। इसी क्रम में आज इस शिविर का 14 दिन है। आप इस शिविर में अवश्य आएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।